हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है मार्केट में, ये काफी अच्छा चलता है। ये आज के प्रोडक्ट का नाम है वेटनोवेट एन। याद रखिएगा, वेटनोवेट एन के अलावा वेटनोवेट सी भी आता है, तो दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। ऑल्दो ब्रांड नेम सुनने में सेम लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों को क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए आप हमारे पहले वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने बात किया वेटनोवेट सी के बारे में। आज का जो प्रोडक्ट है वेटनोवेट एन, इसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं इसमें है आपका पहला बेटा मेथासोन और दूसरा है आपका नियोमाइसिन। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट अपने आप में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती रहती हैं। तो ओवरऑल तरीके से अगर मैं कहूं कि ये वेटनोवेट एन क्रीम कब काम आता है, जब आपकी स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग ये चीजें हो रही हो, या फिर आपकी स्किन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, साथ में ये इन्फ्लेमेशन भी हुआ हो, तो आप इस क्रीम को प्रीफर कर सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए क्रीम है, इसका इंटरनल यूज ना करें। कैसे यूज करना है वो आपको बताऊंगा। पहले से कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इसके जो दो कंस्टिट्यूएंट में से पहला कंस्टिट्यूएंट है बेटा मेथासोन, वह एक एग्जांपल है स्टेरॉइड्स का। ये आपके बॉडी में खास करके स्किन पार्ट में होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि रेडनेस, हीट या फिर पेन का जनरेशन हो जाना, ये इन्फ्लामेशन कहलाता है। इसके पीछे यानी कि इन्फ्लामेशन होने के पीछे कई सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स काम करते रहते हैं, जिसमें हिस्टामिन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि आगे जाकर के फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पॉन्स करेगा, इचिंग होगी तो फिर वहां पर इन्फ्लामेशन होगा ही होगा। तो उसको इनहिबिट करने के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर को इनहिबिट करने के लिए हमारा बेटा मेथासोन काम करता है। और दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है नियोमाइसिन, ये एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया सीडल कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना केवल कम करता है बल्कि उसके पूरी तरह से खत्म कर सकता है। बैक्टीरिया सीडल करने का मतलब भी यही है कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करेगा। इसके काम करने के तरीके क्या है, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपने अपने रेस्पेक्ट में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए उसका यूज कर सके। वैसे ही इन एंटीबायोटिक्स के अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, जो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, स्टेप्स को इनहिबिट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स से अच्छे हों, उसके रेस्पेक्ट से उनके लिए काम का हो। तो हमारा जो नियोमाइसिन है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करने से क्या होगा, बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए या दूसरे कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए प्रोटीन का यूज करता है और उसी प्रोटीन को यूज करके वो सर्वाइव करता है। तो अगर बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो वो आपके लिए, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, लॉजिकली हमको उन सारे पॉइंट्स को स्टॉप कर देना चाहिए जिससे वो सर्वाइव करता है। तो उनमें से ये है प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा जो नियोमाइसिन है इसी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, जिससे बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन को यूज नहीं कर पाता और प्रोटीन यूज ना होने से जो अदर एक्टिविटीज थी वो पूरी नहीं हो पाती। इस तरीके से ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, किल हो जाता है। तो ये बात हो गई इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के बेसिक तरीके, बहुत शॉर्ट्स में। डिटेल्स देना चाहते हैं तो हर एक कैटेगरी के वीडियोस हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए बात कर लेते हैं इसे हम यूज कैसे करें। मोस्ट ऑफ द केसेस सारे क्रीम, बट सबके साथ ये पॉसिबल नहीं होता, तो ऑलमोस्ट बोल लेना ज्यादा अच्छा है। ऑलमोस्ट जितने भी क्रीम होते हैं उनको यूज करने का एक कॉमन पैटर्न होना चाहिए, वो ये कि जब कभी भी आप इसे अपने एक्सटर्नल पार्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस एक्सटर्नल पार्ट को अच्छे से क्लीन वाटर से साफ कर लेना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन साबुन का यूज करना नहीं करना डिपेंड करता है। फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो तो आप साबुन का यूज ना करें, बल्कि उसकी जगह एंटीसेप्टिक जो लिक्विड्स आते हैं डिटॉल्स मार्केट में आते हैं उनका यूज आप जरूर कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से फ्रेश वाटर से, अगर पॉसिबल है तो हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल से जिसको यूज नहीं किया गया हो या फिर किसी अच्छे टिश्यू से उसको वेट को ड्राई कर लें। उसके बाद आप हल्के हाथों से इस क्रीम को दिए गए निर्देशानुसार, कभी दिन में एक बार लगाना है, दो बार या तीन बार लगाना है, या फिर आपके सीबीएटी के अकॉर्डिंगली अस्पताल गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूं ही लगा लिया बिना वॉश किए या एक बार लगाने के बाद दूसरी बार फिर उसी के ऊपर लगा लिया तो इसका जो पेंटेशन पावर है वो थोड़ा अफेक्ट होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट में हो सकते हैं वुंड हो, वुंड के कारण से ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ब्लड, पस, इनका एक्यूमुलेशन हुआ हो तो वो आपके ड्रग के पेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिल्म का फॉर्मेशन हो जाना ऑयल की वजह से, जो कि हमारे सीबेसिस ग्लैंड से निकलता है, वो भी आपके इस ड्रग के एक्शन को, पेंटेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो ऑप्टिमम और बेटर रिजल्ट पाने के लिए आप उस जगह को एक बार अच्छे से वॉश जरूर कर लें, देन आफ्टर आप उस क्रीम को लगा सकते हैं। क्रीम को लगाने के बाद इसका विशेष ध्यान रखें कि जिन हाथों से आपने उसे अप्लाई किया है वो आपकी आंख पे ना जाए, इसलिए अपने हाथ को एज सून एज पॉसिबल वॉश कर लें। ये सीधे बोलने लायक नहीं है, बट ये हर एक चीजें आपको समझने लायक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात किया वेटनोवेट एन के बारे में, वेटनोवेट सी के बारे में,
या फिर किसी और ड्रग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने हमारे चैनल पे कई सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं उनके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से भी और उसको मेडिसिन रिव्यू एक साथ कंबाइन भी किया हुआ है। तो आप मेडिसिन रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है जिसके बारे में जानना चाहते हैं वह आप देख सकते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ तो दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।